अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल लजीना इस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सजादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह महबूबीन बिरादरम मौलाना सुभानी पाशा साहब कादरी चिश्ती और उनके बिरादर अज़ीज़ और वाबस्तगान सिलसिला बिरादरी गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुजफ़्फ़र हुसैन खान कादरी बंदा नवाजी साहेब और बिरादर मुकर्रम मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब और वो शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं रहती मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी साहब चिश्ती और मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मंसूर अली ख़ान कादरी साहब जनाब शफी कादरी साहब वसीम इलहामी साहब दिन भर मसरूफियत रही फिर जलसा भी रहा फिर वहाँ से निकल कर यहाँ हाजिर हुए। तय ये किया गया कि कल सुबह भी मसरूफियत है तो सिर्फ हाफिज़ साहब क़िबला का खिताब होगा, लेकिन मौलाना सुभानी पाशा की मोहब्बत कि हर कोई बोलने पे मजबूर है। खुतबा मसरूना के बाद जो आयत करीमा में पढ़ी मैंने पढ़ी वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा, मुख्तसर बोलूँगा। और रब जिसे गुमराह करना चाहता है उसका कोई वली और मुर्शिद नहीं होता। इल्म है, दौलत है, शोहरत है, ताकत है, तरक्की है, हिदायत याफ्ता होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हिदायत का मियार अल्लाह ने अपने वली को, अपने दोस्त को, अपने महबूब को बनाया। जिसको ये मिले उसको दावा करने की जरूरत नहीं है, वो हिदायत याफ्ता है। मेरे अदीदों, बड़े खुशनसीब हैं हम कि औलिया इकराम की निस्बत हमें हासिल है, चूँकि उर्स का मौका है, खानकाही माहौल है, तो खानकाहों से ही मुतालक कुछ गुफ्तगू करूँगा। और मशहूर तो नहीं मगर बदनाम ज़रूर हूँ कि कड़वा बोलता हूँ, लेकिन बात बुरी लगे बाद में जब फुर्सत मिल जाए ठंडे दिल से बैठकर सोचना बात सही लगेगी। एक मरतबा बारगाह नबी और आले नबी में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लम सलातम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, ये दौर बड़ी तरक्की का दौर है, हर चीज़ अपने उरूज की तरफ जा रही है। आज हर तरफ मकान ही मकान है, घर नजर नहीं आते। मकान तो बहुत है, घर नजर नहीं आते। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मकान भी उसी को कहते हैं, घर जिसे कहते हैं। नहीं मेरे भाई,
मकान और होता है, घर और होता है। मकान ईंट से बनता है, रेती से बनता है, सीमेंट से बनता है, लोहे से बनता है, लकड़ी उसमें शामिल होती है और ये मेस्त्री बनाता है। लेकिन घर मोहब्बत से बनता है, मुरव्वत से बनता है, अखलाक से बनता है, इखलास से बनता है और ये घर खानकाह का सज्जादा बनाता है। आज मकान बहुत है, घर नजर नहीं आते, क्योंकि घर मोहब्बत और मुरव्वत से बनते हैं। और दुनिया का कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं घर बना रहा हूं, और सज्जादे को दावा करने की जरूरत नहीं है, वो घर के घर बसाता चला जाता है, वो घर के घर बसाता चला जाता है। और मौलाना सुभानी पाशा गालिबन अपने वालिद गिरामी के विसाल के बाद अपनी सरपरस्ती में पहला उर्स कर रहे हैं, मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, उनकी निस्बत के हामिल लोग हैं, इनके बुजुर्गों के फैजान से माला माल लोग हैं, चले आए। इनके वालिद के मुरीद हैं वो भी आए, इनके जो मुरीद हैं वो भी आए। बात ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन अपने सिलसिले के, अपने बुजुर्गों के फैजान को हासिल करने का तरीका बता दूंगा कि बुजुर्गों का फैजान कैसे हासिल किया जाता है। इनके वालिद का विसाल हुआ, अल्लाह तरीके रहमत करे। अब इनके वालिद के जो मुरीदीन हैं, इनके वालिद के चहलुम तक बड़ी मोहब्बतों का इजहार करते रहे, उसके बाद लहजे में थोड़ी तब्दीली आती हुई। अब आई नहीं आई ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मिजाज जो है वो बता रहा हूं, तब्दीली आई। हजरत की बात नहीं आती, हमारे जो हजरत थे उनकी बात नहीं आती। अरे वो क्यों नहीं आती भाई? तो बोले वो हजरत का ये मामला था कि जब भी हमको कोई दुख होता, तकलीफ होती, कोई मामला होता, 24/7 चले जाते, हजरत मिलते, बैठे रहते, जाते हम उनकी खिदमत में बैठते, अपने मामला अर्ज करते, वो अपने बुजुर्गों की तरफ रुजू करते, उनका फैजान हमें हासिल होता। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे जब चाहते हम उनको मिल लेते, लेकिन ये हमारे हजरत के जो सच्चाते हैं वो नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? बोले उनके अपने कारोबार हैं, सुबह से शाम तक वो कारोबार में रहते। पहले ये था कि हम जब चाहते हजरत से मिल लेते, अब हजरत के सज्जादे का ये मामला है, घर पे गए तो इन्हों घर पे नहीं रहते, कहाँ हैं? काम करने गए, कारोबार में लगे हुए हैं। आम तौर पर यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर खानकाह का ये मामला है। हर वक्त हजरत मिलते थे, सज्जादे साहब हर वक्त नहीं मिल रहे, हजरत की बात नहीं आती। अरे यकीनन वालिद की बात बेटे में नहीं आती, तय है, ये बात तो तय है कि वालिद की बात बेटे में नहीं आती। लेकिन जरा ठंडे दिल से सोचना कि हजरत 24 घंटे क्यों मिलते थे और उनके सज्जादे 12 घंटे क्यों मिल रहे। 24 घंटे उन्होंने मिलते थे तो 24 घंटे इन्हों भी मिलना,
24 घंटे उन्हों मिलते, 12 घंटे इन्हों मिलते। हजरत की बात नहीं है, बात हो भी नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि जो हजरत आपको 24 घंटे 7 दिन मिलते थे, उसकी वजह यह है कि उनके जो घरेलू जिम्मेदारियां थे वो इन्हों उठाए हुए थे। ना उनको तेल की फिक्र थी, ना मिर्ची की, ना नमक की, ना चावल की, सब इनो कर देते थे। लेकिन जब हजरत गुजर गए तो अब इनको खानका भी देखना है, अपनी जिंदगी भी देखना है। जाहिर सी बात है 24 के 12 घंटे तो होंगे। तो यहां खानका से वाबस्ता लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हजरत के बाद गुजरने के बाद उनका जो सज्जादा होता है उसको ये एहसास दिलाएं। आप फिक्र ना करें, हजरत 24 घंटे मिलते थे, आप भी 24 घंटे मिले, हजरत के लिए आप थे। आप फिक्र ना करें, आपके लिए हम हैं, आपके लिए हम हैं। आपकी घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं वो हमको बांट दीजिए, और आप जैसा हजरत हमारे लिए 24 घंटे दुआ करते बैठते थे वैसा आप भी बैठ जाइए। क्यों? हर दौर में दीन का जो काम हुआ है वो खानकाहों से हुआ है, और आज भी खानकाहों से ही दीन का काम होगा। अब दीन का काम क्या है, तफसील में नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ा काम जो दीन का होता है वो है इंसान के अंदर अखलाक का पैदा करना। आज अपनी बात को खत्म करूं। एक होती है तिजारत, एक होते हैं अखलाक। तिजारत में क्या होता है, सौदा लेने के लिए कोई आया, आपके पास जो चीज है, अब तिजारत की जो मामलेदारी है, चीज के हिसाब से रेट होता, प्रोडक्ट के हिसाब से रेट होता, जैसा प्रोडक्ट है वैसा रेट है। लेकिन अखलाक का मामला क्या रहता, सामने वाले का कुछ भी सलूक रहे रहे हमारे ये अखलाक हैं। सामने वाला गाली दे रहा, मुस्कुरा के दुआ देना हमारे अखलाक हैं। सामने वाला बदतमीजी कर रहा, अब मुस्कुरा के अखलाक से मुस्कुरा के दुआ दे देना हमारे अखलाक हैं। अखलाक में ये नहीं होता कि सामने वाला जैसा करे आप भी वैसा करने पे आ जाओ, बल्कि सामने वाला कुछ भी करता रहे आपको तो अपने आका के अखलाक का नमूना बन जाना है, और ये नमूना खानकाहें बनाती है। मदरसे सिर्फ इल्म सिखाते हैं, जैसा कि मोहतरम शफी कादरी साहब ने, इतना अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मेरी एक कमजोरी ये है कि ये पढ़ते रहते हैं, मैं मजा लेता रहता हूं, इसलिए इनके पढ़े हुए अशआर याद नहीं रहते। बोले तू किताबा पढ़ा, मैं दर पे पढ़ो, क्या शेर है साहब, तू किताबा पढ़िया मैं दर पे पढ़ू, तू कहाँ का मियां मैं कहाँ की बहरे आलो, जो भी है। तो किताब पढ़ना और है, किसी के दर के होकर बन जाना और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपने सिलसिले के बुजुर्गों के फैजान को जारी व सारी रखे, और साहेब सज्जादा के जरिए सिलसिले के पीरान का और शुयूख का फैज आप तक पहुँचे। वाखिरु दावा हूँ अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।